हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि अवतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगा। उससे पहले जान लेते हैं, ये जो हमारा माइंड है वो जनरली तीन बेस पर कार्य करता है। पहला वर्ड्स, वर्ड्स सेकेंड नंबर और थर्ड सिंबल्स। यदि आप इन तीनों को लेकर चल रहे हैं तो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। यदि आप वर्ड्स नंबर और सिंबल को नहीं लेकर चल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब हम देखते हैं, ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं मैजिकल बॉक्स। मैजिकल बॉक्स, इसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे बहुत सिंपली तरीके से कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगा। ओके, और ये वाला जो खाना देख रहे हैं, फर्स्ट वाला ए, ए वस्तु की स्थिति को दिखलाएगा, वस्तु की स्थिति को। ओके, और ए वाला जो खाना देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला ए, ए वाला जो है ये बताएगा प्रतिबिंब की स्थिति को, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति को। ओके, अब इसमें भर देते हैं, ये जो पार्ट है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ से सी और एफ है, यहाँ पर ओनली एफ है। ओके, यहाँ पर भर देते हैं हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पर इसका अपोजिट कर देते हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, अब यहाँ पर इसका अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पर भर देते हैं एफ सी एंड एफ ओनली सी, यहाँ पर इनफाइनाइट एंड सी, और यहाँ पर भर देते हैं इनफाइनाइट। ओके, मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है? तो जनरली ये जो कांच का खोखला गोला होता है, मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला। ओके, इसको यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से इसको डिसकनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यानी कि ये जो पार्ट बन रहा है चारों, ये है मिरर दर्पण। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, और ए वाला जो ओनली ए पार्ट जो बच रहा है, ए, ए यदि हम इस पे बाहर से कोई लेप लगा देते हैं, जिंक ऑक्साइड या कुछ भी का, ए बाहर से यदि ऊपरी पार्ट से, तो ए हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, और यदि हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ए वाला जो पार्ट बच रहा है, और यदि हम अंदर से इसमें लेप कर दें ऐसे, जिंक ऑक्साइड या कुछ भी का, और जिंक किस कुछ भी परत का, तो ये जो दर्पण बनेगा ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, अब दर्पण में जनरली जो एक दर्पण होता है उसमें क्या क्या कंडीशन दी होती हैं वो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण एक, ए, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो त्रिज्या होती है, इस गोले की त्रिज्या, मान लीजिए एक गोला है। ओके, एक गोला है, इसकी त्रिज्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या ए है, इसको सी से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसे बोलते हैं, और इसकी आदि जो होती है वो होती है फोकस दूरी, एफ होती है। ओके, और ऑब्जेक्ट रखी जाएगा ए, इधर जितना जाएगा ये मान लीजिए इनफाइनाइट है, सी है और एफ है, और इन्हीं के बीच में हमको ऑब्जेक्ट को रखकर ये मान प्राप्त करना है। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अनंत पे, तो प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। ओके, फोकस पे। यदि अनंत व सी के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज बनेगा सी व एफ के बीच में। यदि सी पर रख रहे हैं तो सी पर ही बनेगा, और यदि यहाँ पर रख रहे हैं सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा, यदि एफ पे रख रहे हैं तो अनंत पे बनेगा। ओके, और ये जो इमेज बनेगा वो स्मॉल रहेगा, ये भी स्मॉल ही रहेगा, ये इक्वल रहेगा। ओके, और ये बिग रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा, ये भी बिग रहेगा, ये देख लिया हमने। अब बारी बारी से पढ़ते हैं, इसमें छः कंडीशन होती है जनरली प्रतिबिंब बनने की, तो इस मैजिकल बॉक्स के माध्यम से ओनली हम 5 के ही स्टडी कर पाएंगे, और जो 6वां है उसको नेक्स्ट से पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। ओके, देखते हैं केस नंबर 1।
केस नंबर वन, केस नंबर वन का है इनफाइनाइट पे वस्तु को रख रहे हैं अनंत पे। ओके, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ओके, और ये इसका मुख्य अक्ष है, पी है, एफ एंड ए सी है। ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, अनंत पे रखना है। आप इस तरह से बनाएंगे, आपके सेंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं तो ये मुख्य फोकस से आएंगी, और सेकेंड जो मुख्य फोकस से जा रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। इमेज बन रहा है यहाँ पर जो इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि गलत है। ओके, रियल क्या होगा वो देख लेते हैं हमारे अनुसार। तो जनरली इसमें दो माध्यम से हम बना सकते हैं, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण है, और ये इसका पी मुख्य अक्ष है, और अनंत पे वस्तु रखी हुई है, तो इस तरह से जाएगी रेस यहाँ से, और इससे परिवर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी यहाँ पर। तो इमेज इसका यहाँ पर बनेगा एफ पे, और ए इसकी सी है, वो करता है केंद्र, जो कि ए नियम फॉलो कर रहा है, सही है। ओके, इसको एक माध्यम से और हम बना सकते हैं इसको एक माध्यम से और बना सकते हैं, ए रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, अवतल दर्पण ए है, ये हमारा अवतल दर्पण रहा। ओके, और ये जो पार्ट है ए मुख्य अक्ष पी है, पी। ओके, और अनंत पे वस्तु है तो वाकई में बहुत दूर होगी, जैसे सूर्य और तारे जैसे बहुत दूर होते हैं और चंद्रमा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रही ए बी, इस तरह से इसको लाएंगे यहाँ पर, इसका रे जा रही है यहाँ से, रिफ्लेक्टेड हो जा रही है। ओके, और जो सेकेंड है इसके समानांतर आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जा रही हैं, तो जनरली कुछ नीचे हो गया है एरेस, इसको सही से बनाते हैं, तो यहाँ पर कट कर रहा है ए रहा इसका एफ, और इसकी सी इमेज यहाँ पर बन रहा है, और जो इमेज की स्थिति होगी, इमेज जो होगी इसमें, इमेज वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, 21 नंबर वन आ रहा है। ओके, केस नंबर टू देखते हैं, यदि वस्तु को रखा जाए, वस्तु को यदि रखा जाए अनंत और सी के बीच में। ओके, केस नंबर टू है, इसको रखना अनंत व सी के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनेगा वो देखते हैं। ओके, हमारा रहा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसको जरा और ऊपर बनाते हैं, ये रहा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कलई कर दिए, और इसका मुख्य अक्ष पी, ये इसकी फोकस बिंदु रही एफ, इसकी वक्रता त्रिज्या सी है। ओके, और हमको रखना ऑब्जेक्ट को अनंत व सी के बीच में, सेकंड कंडीशन वाला देखते हैं, तो इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, सी व एफ के बीच में बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये हमारा रहा अनंत, इनफाइनाइट और ए सी, इसके बीच में हमको ऑब्जेक्ट को रखना है ए बी, इसका रेज इस तरह से आ रही है, मुख्य फोकस होकर आएंगी। ओके, और सेकंड वाला जो है मुख्य फोकस होकर जाएगी, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इमेज यहाँ पर बन रहा उल्टा ए डैश बी डैश। ओके, तो इसमें इमेज की जो स्थिति है वो क्या है, इमेज वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ओके, छोटा वस्तु से, ये रहा इमेज की स्थिति, देख रहे हैं, जो कि ए भी फॉलो कर रहा है सेकंड नंबर, अनंत व सी के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत व सी के बीच में जब रखे हैं तो प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बन रहा है, जो कि ये फॉलो कर रहा है। ओके, अब केस नंबर थर्ड देखते हैं, केस नंबर थर्ड क्या है, इमेज को रखा जा रहा है सी पे, वक्रता केंद्र पे सी पर, इमेज कहाँ पर बनेगा वो देखते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हमने बना लिया कुछ इस तरह से, यहाँ से इसका मुख्य अक्ष पी है,
एफ है फोकस बिंदु और इसकी वक्रता त्रिज्या केंद्र से है। ओके, ऑब्जेक्ट को रखना सी पर, तो इसको जरा इधर बनाते हैं, लिख देते हैं इमेज इसी पर बनना चाहिए। ओके, इसका रे जा रही है यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, और सेकेंड वाली जो रेस है उसके मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं इस तरह से, और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश, ए है ए और बी, और जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, और जब जो इमेज होगा वास्तविक होगा रियल होगा तो इमेज हमेशा उल्टा ही बनेगा, यदि आभासी होगा तो सीधा बनेगा। ओके, इसमें छठवीं वाली कंडीशन में वैसा होता है, आभासी सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, अभी उसको बाद में देखेंगे। अब आते हैं केस नंबर फोर पे। केस नंबर फोर क्या है, वस्तु को रखा जाएगा सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के फोकस बिंदु के बीच में, सी और एफ के बीच में, ए रहा हमारा कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, इसकी मुख्य अक्ष है पी, इसकी एफ फोकस बिंदु और सी वक्रता त्रिज्या। तो केस नंबर वन टू थ्री पढ़ लिया, अब केस नंबर फोर देखते हैं। तो ए आएगी मुख्य फोकस से ऐसे, और सेकेंड मुख्य फोकस से जाएंगी रेज इस तरह से, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पर बन रहा है ए ऑब्जेक्ट ए बी, इसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, यदि ऑब्जेक्ट को रखे हैं सी ओ एफ के बीच में तो अनंत व सी के बीच में ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि फॉलो कर रहा है, ये तो हो गया है, ये भी फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर इमेज कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ओके, अब कंडीशन फिफ्थ देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाए, कंडीशन नंबर फिफ्थ देखते हैं, वस्तु को यह पर रखी जा रही है, एरा हमारा कन के मिरर कुछ इस तरह से ऐसे, और ए इसका रहा मुख्य अक्ष पी, इसकी है एफ फोकस दूरी फोकस बिंदु और इसकी वक्रता त्रिज्या सी है, ऑब्जेक्ट को रखी जा रही है एफ पर ऐसे रेज जा रही है और मुख्य फोकस से आ रही है। ओके, इस तरह से, और जो सेकेंड रेज है वस्तु से इस तरह से मिरर से मिल रही है इस तरह से, और ये इनफाइनाइट तक चल जा रही है, कभी एक दूसरे से नहीं मिल रही है। ओके, तो ए भी रूल फॉलो कर रहा है, फिफ्थ वाला भी, इमेज जो बनेगी वो अनंत पे बनेगी, कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, और इमेज की जो स्थिति होगी वो होगी वास्तविक, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ओके, अब कंडीशन नंबर सिक्स देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में वही पूछता है। तो कंडीशन नंबर सिक्स क्या है वो देखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, कंडीशन नंबर सिक्स बनाते हैं, कॉन्केव मिरर है यहाँ पर, ये मेरा रहा अवतल दर्पण। ओके, पी रहा इसका, ए रहा एफ और ए रहा सी वक्रता त्रिज्या। ओके, ऑब्जेक्ट को रखी जा रही है या पी और एफ के बीच में, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी को, इसका रेस जो होगी वो एफ से होकर जाएगी टकराने के बाद, और जो दूसरा होगी वो वस्तु से होकर जाएगी ए है एफ। ओके, कुछ इस तरह से, और ये इधर चली जाएगी परावर्तित होकर,
इसको हम आभासी मिलाते हैं ऐसे आगे बढ़ाकर, एक दूसरे से यहाँ पर कट कर रही हैं, और इमेज इसका बन रहा है यहाँ पर सीधा बन रहा है, ए डस बी डस वस्तु से बड़ा बन रहा है। इमेज की स्थिति क्या होगी? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? यदि अवतल दर्पण है तो इससे इमेज बनता है, उसकी 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन को बारी बारी हमने देख लिया। ये रहा जादुई बाक्स है, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके माध्यम से आप बता सकते हैं, फटाफट में आंसर दे सकते हो। ओके, 5 वाला भी सही हो गया हमारा कंडीशन। यदि ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखी जाए तो उसका इमेज बनेगा एफ पे, सी वो अनंत व सी के बीच में रखी जाए तो सी वो एफ के बीच में बनेगा, यदि सी पर रखा जाए तो सी पर ही बनेगा, यदि सी वो एफ के बीच में यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी जाए वस्तु, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो अनंत और सी के बीच में बनेगी, वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी, यदि एफ पे रखा जाए तो अनंत में बनेगी, जिसका हमने बारी बारी से रिविजन कर लिया है। ओके, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर दें तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो प्रेस करना होगा बेल आइकन को। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।